देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का नंबर वन न्यूज पोर्टल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस समिति द्वारा आज महागठबंधन के उम्मीदवार कृति झा आजाद का स्वागत किया गया। सीता राणा के नेतृत्व में आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। वहीं कृति झा आजाद करेंगे 20 को नामांकन। शामिल होंगे झारखंड के दो पूर्व सीएम, मैं आपको बता दूं कि बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। देखिए कृति झा आजाद ने क्या कहा हमारे चैनल के माध्यम से। न्याय ना हो तो ये प्रकृति ना हो, इंसानियत ना हो, कोई इंसान ना हो, कोई जीव ना हो, इसलिए महिलाएं प्रकृति ये दशम महाविद्या है और इनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। माँ तो सबकी होती है और माँ को सदैव नमन है, नाम माँ को सदैव प्रणाम। क्या कुछ कार्यक्रम आपका चल रहा है? सब ये कार्यक्रम चल रहा है। आज सुबह हम लोग केंदुआ गए थे, वहाँ पे आज महावीर जयंती कार्यक्रम था तो उसमें मंदिर में गए थे, प्रणाम किया था लोगों से मिलके और वहाँ से फिर हम आए। उसके बाद डेरे पर बहुत लोग मिलने आए हुए थे, उनसे मिल रहा हूँ। कुछ लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, सबसे मिल रहा हूँ, सबसे बैठ कर बातचीत हो रही है और बहुत ही सकारात्मक लोगों की तरफ से एक ऊर्जा आ रही है जो बताती है कि बहुत पॉजिटिव है। और विशेषकर यहाँ के सांसद का विरोध बहुत है लोगों। कल सर नॉमिनेशन फाइल करने भी जाइएगा तो कैसे, क्या कुछ कार्यक्रम होगा, क्या शेड्यूल होगा? नामांकन में हम लोग पुराने कांग्रेस दफ्तर से पैदल जाएंगे रणधीर वर्मा चौक तक और हम सभी को मालूम है कि डीसी ऑफिस में 5 लोगों से ज़्यादा जा नहीं सकते, तो वहीं वो जो आधे किलोमीटर का जुलूस होगा वह उसमें हम लोग रहेंगे और उसके बाद नामांकन दाखिल करके जिला परिषद के मैदान में हम लोगों का एक आम सभा है, उस आम सभा में हम लोग सारे लोग एकत्रित होंगे। इस आम सभा में मुख्य रूप से कौन लोग उपस्थित रहेंगे सर? इसमें झारखंड कांग्रेस कमेटी के श्री डॉक्टर अजय कुमार रहेंगे, इसमें बाबूलाल मरांडी जी के आने की बात है और इसमें हेमंत सोरेन जी के आने की बात है।